हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू मॉमी ऑन द ब्लॉग। इस वीडियो में हम जानेंगे सांपों से जुड़े कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स। एक रिसर्च के मुताबिक हर साल लगभग 1 लाख लोगों की जान लेने वाले इन सांपों का अस्तित्व लगभग 150 मिलियन सालों से है, यानी कि डायनासोर के समय से। ये तो आप जानते ही हैं कि सांप किसी भी चीज़ को चबाकर नहीं खाते, बल्कि सीधा ही निगल जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि सांप एक बार में अपने शरीर से लगभग 70% या 100% तक बड़ा जानवर भी खा सकते हैं। यहाँ तक कि अफ्रीका का एक अजगर तो छोटी गाय तक को निगल जाता है। है ना आश्चर्यजनक। वैसे तो सांपों की अलग अलग प्रजातियों की लंबाई अलग अलग होती है, पर सबसे लंबा सांप, जिसे पाइथन रेटिकुलस भी कहते हैं, लगभग 30 फीट तक लंबा हो सकता है। सांप अपनी स्किन से सांस भी ले सकते हैं, यही कारण है कि ये पानी में बहुत देर तक बने रहते हैं। इन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये अपने शिकार से ही ज़रूरत भर का पानी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यही कारण है कि कई सांप, जैसे कि किंग कोबरा, बिना खाए पिए महीनों तक सर्वाइव कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले एक सांप के सिर पर तो 2 सींग भी होते हैं, जिसे हार्नर्ड वाइपर के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं, जैसे सर्कस में अलग अलग जानवरों को ट्रेनिंग दी जाती है, उस तरह अगर आप कोशिश भी करें तो सांप को कुछ नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि हमारे दिमाग का वह हिस्सा जो सीखने की क्रिया को नियंत्रित करता है, जिसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, वह सांप के दिमाग में नहीं पाया जाता। यही नहीं, हर सांप साल में लगभग 3 बार अपनी चमड़ी भी बदल लेता है। ब्राज़ील में एक स्नेक आइलैंड भी है, जहाँ हर वर्ग मीटर में कम से कम 5 सांप रहते हैं, यानी कि आपके डबल बेड जितनी जगह में लगभग 20 सांप, वो भी जहरीले। सांपों की एक प्रजाति किंग कोबरा, जो सबसे जहरीले सांपों में से एक है, इतनी जहरीली होती है कि इसके जहर की केवल 7.5 मिलीलीटर मात्रा ही लगभग 20 आदमियों की जान ले सकती है। सांप अपने जबड़े के निचले हिस्से को ज़मीन पर रखकर धरती की अंदरूनी परतों या इंटरनल लेयर्स में होने वाले हल्के से हल्के कंपन को भी आसानी से महसूस कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें आने वाले किसी भी तरह के तूफान या भूकंप का काफ़ी पहले से अंदेशा हो जाता है। भारत में प्रचलित स्नेक चार्मर्स या सपेरों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कहा जाता है कि इनकी बीन की धुन पर सांप मदमस्त होकर नाचते हैं, पर यह सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि असलियत में तो सांप सुन ही नहीं सकते। जी हाँ, सांपों के बाहरी कान नहीं होते, इसीलिए जब सपेरा बीन बजाता है तो उसे कोई हमलावर समझकर सांप खुद को बचाने के प्रयास में इधर से उधर होते हैं। अगर आप नोटिस करें तो आप पाएंगे कि सांप इस समय काफ़ी आक्रामक भी हो जाते हैं और बीन पर फन मारने की कोशिश करते हैं। तो असलियत में सांप बीन की आवाज़ सुनकर नहीं, बल्कि उसकी गति या मोशन देखकर ऐसा करते हैं, जिसे आप उसका नृत्य समझते हैं। हालांकि इस प्रैक्टिस पर अब इंडिया में बैन लगा दिया गया है, क्योंकि ये पाया गया था कि ये सपेरे सांपों के विषैले दांत निकाल देते थे। यही नहीं, लोग इन सपेरों के पास आकर नाग पंचमी के दिन इन सांपों को दूध भी पिलाते थे, जिससे कई सांपों की मृत्यु हो जाती थी। ये एनिमल क्रुएलिटी के तहत तो आता ही है, इस जहर को बाजार में बेच भी दिया जाता था, क्योंकि असलियत में सांप दूध नहीं पीते। ऐसी ही सुनी सुनाई बातों में एक बात ये भी है, जिस पर बॉलीवुड और हिंदी टीवी सीरियल्स ने हमारा भरोसा बढ़ा दिया है, कि सांप अपने साथी की मौत का बदला लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और मज़ेदार फैक्ट्स के साथ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस वॉज ब्रॉट टू यू बाई न्यू मॉमी ऑन द ब्लॉक। थैंक यू।